नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? और नए जो जिले हैं वो आपने तैयार कर लिए कि नहीं कर लिए? अभी एग्जाम में भर्तियां भी है, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। आपने जो नई किताबों को इतना ज्यादा प्रमोट किया और आपको पसंद आई, इसके लिए थैंक यू, क्योंकि मेहनत बहुत की हुई थी। और नई सिरे से जब सारी लिखी तो 5, 7, 8, 10 रातें लगी, लेकिन तैयार हो गया। आज जो आपका लास्ट लास्ट नहीं है, 2-3 जिले और बचे हैं, क्योंकि वो जयपुर जोधपुर वो बचे हैं। और तो एक जिला जो बड़ा फेमस है, शाहपुरा, बहुत जगह इसका नाम आया है, मुख्य रूप से प्रजामंडल में नाम आता है। क्रांतिकारी परिवार की जब बात होती है तो शाहपुरा का नाम आता है, और राजस्थान को जब एक जगह इकट्ठा होना था तो फिर शाहपुरा का नाम आएगा, हुरडा सम्मेलन। और फट चित्रण की बात आएगी तो शाहपुरा आएगा। ये 4 जगहों के लिए ये बड़ा ही फेमस रहा है शाहपुरा। वैसे शाहपुरा एक जयपुर में भी है, ध्यान रखना। तो शाहपुरा में वर्तमान में 6 तहसील, आपके पास ये आउटलाइन वाला मैप होगा, जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो बना लेना। चलो ये ले लेता हूं सर। कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है फिर, बहुत इजी, कोई टफ नहीं है, ऐसे बना लेना। ठीक है, ऐसे। यार कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? ऐसे। और अंदर वाले जो है आप अपनी मर्जी से भर देना, जैसे मैं बता रहा हूं उधर वाले ऐसे ही भरना है। ठीक है, ये है नया जिला शाहपुरा। अब अगर हम इसमें भरना शुरू करें तो जैसे फूलिया कला, फूलिया कला, ठीक है, शाहपुरा, फिर नीचे हो जाएगा ये कोटड़ी, ठीक है, और ये हो जाएगा काछोला, ये हो जाएगा जहाजपुर, और ये हो जाएगा बनेड़ा। जहाजपुर नाम आता है इसका, कई जगह आता है जहाजपुर का। यानी इसके अंदर 5 तो उपखंड है और 6 तहसील है। ये तहसीलों के नाम है। अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो, आपके पास मैप नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे लिख सकते हो। जैसे लिखो शाहपुरा, यानी शाहपुरा के अंदर क्या क्या आएगा। नंबर 1, शाहपुरा, ठीक है। कलर अच्छा वाला कलर इसमें कौन सा खिंचेगा? ये खिंच जाएगा शायद। जहाजपुर, काछोला, बहुत इजी है शाहपुरा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात बता देंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। फूलिया कला बनेड़ा, फूलिया कला बनेड़ा, 4, 5 और 6, यानी टोटल 6 है इसमें। लास्ट है कोटड़ी। कोटड़ी वैसे कहां की फेमस है? कोटड़ी वैसे जयपुर की फेमस है। आप सीधे लिखना चाहो सीधे लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पे निर्भर करता है। सबसे पहले बात आती है जब भी किसी जिले की, तो ये जो जिला है वो पहले शाहपुरा एक ठिकाना हुआ करता था। ये जो जिला है, क्योंकि शाहपुरा में आपने देखा प्रजामंडल की भी स्थापना हुई है शाहपुरा के अंदर, ठीक है। ये जो है ये शाहपुरा, ये मेवाड़ के अंदर आने वाला बड़ा ठिकाना था। इसकी स्थापना जो है वो 1631 ईस्वी में हुई थी, शाहजहां का समय 1631 को, सुजान सिंह ने की थी। सुजान सिंह जी शाहपुरा की बाद में होते रहो, बाकी रहा ये मेवाड़ के दिन है, ठीक है। लेकिन शाहपुरा नगर की बात आए तो 1629 में नगर की स्थापना हो चुकी थी। तो शाहपुरा जो है वो एक ठिकाना था जो मेवाड़ रियासत के अंदर था। वर्तमान में इसे हमारी सरकार ने इसे एक जिला बना दिया है शाहपुरा। स्थापना लिख ली आपने, आंसर लिख ली, लिखते जाओ। अब यहां क्या क्या चीजें हैं, जब भी शाहपुरा का जिक्र आएगा तो सबसे पहले हमें शाहपुरा प्रजामंडल का जिक्र करना पड़ेगा। जब हम प्रजामंडल का सूत्र याद कर ले हैं कि रमेश रमेश शाहपुरा का रमेश अंदर ओजा, यानी शहर बीकानेर में शहर वो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल। उत्तरदायी शासन की स्थापना यही हुई थी शाहपुरा प्रजामंडल में। सर कब स्थापना हुई शाहपुरा प्रजामंडल की? स्थापना 1938 रमेश चंद्र ओझा। शहर जो सूत्र याद नहीं, वो एक बताया लादूराम व्यास का नाम लिखो तो वांगो भी लिख दो, फिर लादूराम जी क्यों नाराज करा भाई, लादूराम व्यास, व्यास व्यास, ठीक है। सबसे पहले लोकप्रिय सरकार की स्थापना भी यही हुई थी शाहपुरा के अंदर। पहले हम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीजों को देखते हैं।
नदी को बाद में देखेंगे, ठीक है, एकीकरण में इसको बाद में देखेंगे, एकीकरण में रियासतों के अंदर इसको दूसरे चरण में इसे शामिल किया जाता है। छोटी रियासत थी ये, बड़ी रियासत जनसंख्या में बड़ी, जनसंख्या में छोटी, जनसंख्या क्षेत्रफल में बड़ी, क्षेत्रफल में छोटी, तो दोनों में जनसंख्या क्षेत्र दोनों में ये सापरा छोटे में आती थी, दूसरे चरण में मिली थी। बाबू की को झाड़ू पर साठो जो एक सूत्र है उसके तहत, और प्रधानमंत्री गोकुलाल साहब वो भी बाद में देखे। तो सर अब क्या देखोगे, अब जो जो फेमस है पहले वो देखेंगे। एक सापुरा का फट चित्रण बहुत फेमस है, फट चित्रण की बात आए और सापुरा को नहीं आ, क्योंकि सापुरा ही फेमस है, पहले ये भीलवाड़ा में था अब जिला है। फट चित्रण जो है वो सापुरा की बड़ी फेमस है, मैं बात रिपीट मारू काम आप मिटावा ही क्यों। देखो फट चित्रण का जो जनक है, किसका, फट चित्रण का, इनका जनक है श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी फट चित्रण के जनक माने जाते हैं श्रीलाल जोशी। इन्हें 2006 में पद्म श्री अवार्ड भी मिला था। फट का वाचन कौन करता है, भोपा जाति द्वारा की जाता है। अगर फट में क्षतिग्रस्त हो जाए, फट जाए तो उसे पुष्कर झील में विसर्जित कर देते हैं, जिसे ठंडा करना कहते हैं। जोशी परिवार सापुरा से संबंधित है, जिसमें श्रीलाल जोशी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। श्रीलाल जी याद ही कर लीजिए, तो पार्वती जोशी ये प्रथम महिला चितेरी है, फट चित्रण फट चितेरी, फट को चितेरी महिला कौन, पार्वती जोशी। फट चितेरी महिला ऐसे, फट चितेरी महिला याद रह जैसी गे, रह जैसी गे। मैन मैन चीज फूलडोल महोत्सव बहुत फेमस है, क्योंकि राम सनेही संप्रदाय की पीठ है सापुरा में, तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। राम सनेही, पहले इंपॉर्टेंट चीजा देखा जो कि चेंज हो रही है, इंपॉर्टेंट है राम सनेही संप्रदाय। साथ साथ में टाबरू लिखता जाइए ताकि दोबारा नोट्स न बनाना पड़े। राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ सापुरा जिले के अंदर, इसका स्क्रीन शॉट एज इट इज, और आपको गुरु नोट्स पे जिले के रूप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और यहीं पर फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, यानी राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है, सापुरा। क्या मनाया जाता है, फूलडोल महोत्सव। यदि तो मैं सागे सागे लिख रहा हूं ताकि थे नोट सीधा बना ले, ये तुरंत आपको अपलोड हो जाएगा गुरु नोट्स पे, जहां जिले बनाए ना वहां अपलोड हो जाएगा। यहाँ के संस्थापक संत रामचरण जी थे, नाम लिखो तो लिख लियो, नहीं लिखो तो कोई बात। और सापुरा में सबसे ज्यादा फेमस बारट परिवार, यानी मैं एक का नाम नहीं लिखे पूरा बारट परिवार लिख देता हूं, बारट परिवार, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, बारट परिवार जो है वो पहले सापुरा भीलवाड़ा में थे, लेकिन अब सापुरा सापुरा में है। केसरी सिंह जी बारट का जन्म भी यही हुआ था, उनका पूरा परिवार यही था, बारट जी का खेड़ा कहा जाता है वर्तमान में, जिसे जिन्होंने चेतावनी का चुंगठिया डिंगल बासा में 1300 इस चीज पे हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीजें आपको याद है, आपको तो बस ध्यान रखना है कि कहीं चेंज न हो गए वो, क्योंकि बाकी बारट परिवार केसरी सिंह जी बारट की बाकी सारी बातें वही है, सारी बातें वही है जो पहले थी, चेतावनी का चुंगठिया वही है, उसमें 13 वही है, क्या 1300 वही है, हजारीबाग जेल में भेजा गया, प्रताप सिंह बारट बरेली जेल में भेजा गया और वो कभी हाथ ही नहीं आए थे, जोरावर सिंह जी बारट बम फेंका था, सब चीजें वही है जो आपने पहले रट रखी है। सिर्फ ध्यान रखना है कि बारट परिवार जो है देवखेड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में सापुरा में आ गया है, ठीक है, बस मेन चीज तो यही है सापुरा, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, और मैं इतना ही लिखूं बारट परिवार सापुरा, तो हम बाकी चीजों की यहाँ चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है, भी एक घंटा क्यों खराब करें, आपको बाकी चीजें तो याद ही है सारी। मेन चीज वेरी इंपॉर्टेंट, हुरडा सम्मेलन, हुरडा सम्मेलन 1734 कहां हुआ था, सापुरा भीलवाड़ा, लेकिन अब सापुरा सापुरा ही पे सारी चीजें वही है, मराठों के विरुद्ध हुआ था, इसका आयोजन करता स्वाई जय सिंह था, इसका अध्यक्ष जगत सिंह सेकंड बना था, फिर रामपुरा गांव में इकट्ठा होने की योजना बनाई थी, हुरडा सम्मेलन फेल हो गया, सब चीजें वही है, बदला है तो सिर्फ जगह, अब ये जिला बन गया हुरडा। ये तो थी इंपॉर्टेंट बात, यानी इस जिले की सबसे IMPORTNT बातें मैंने आपको बता दी, जिसमें आपको क्या क्या याद रखना है ये स्क्रीनशॉट आपका पूरा का पूरा डाल दिया जाएगा, रिपीट मारो तो मार सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
पहले शाहपुरा पर जाना, तब शाहपुरा जिला में, ठीक है। फट चित्रण, श्रीलाल जी श्रीलाल जी श्रीलाल जी पार्वती श्रीलाल जी पार्वती, राम सनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ यही है। फुलडोल महोत्सव मनाया जाए, बार्ड परिवार का जन्म स्थान अब शाहपुरा, और हुल्डा सम्मेलन कहां हुआ था? शाहपुरा के। अब लिखते कुछ सागर है शाहपुरा, कभी नहीं पूछा गया, अब आगे क्या पता पूछ ले, कौन कौन से कुछ तालाब कुछ सागर है जिन्हें आप याद करो तो कर सकते। नाहर सागर, उमेद सागर, ये सारे मैं इस हिसाब से लिख रहा हूं ताकि आपको पीडीएफ में, जे कमल सागर, कोई बात नहीं, याद करो तो कर लेना, नहीं करो तो कोई बात, ठीक है। एक बांध है यहां शाहपुरा में, अडवान बांध, अडवान बांध, अपना एक दो जिला ही बचे, टाबरू लगभग अपना पूरा करवा दिया है अडवान। शाहपुरा जिले में स्थित है, मानसी नदी पर स्थित है, यानी शाहपुरा मानसी नदी, याद रहे जैसे, ये मानसी खारी की सहायक नदी है, ठीक है। ये जो आसपास का क्षेत्र है जिनके मैं नाम लिए थे, जहाजपुर भूलिया, ये अब्रक के लिए फेमस है, क्योंकि शाहपुरा अब्रक के लिए, अब्रक की इंटे तापरोधी होते हैं ना वो। एक नदी है कोठारी, कोठारी नहीं कोठारी, कदाशा कह दो कोठारी, कोठारी नदी, गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं, उधर के विश्वास है। तीन जिलों से प्रवाहित होती है ये, बनास की सहायक नदी है ये, इसका उद्गम जो है बनास के ऊपर ही दिवेर पहाड़ियों से होता है, उसके बाद भीलवाड़ा में आती, भीलवाड़ा में इसके ऊपर मेजा बांध है, फिर ये नदी बागोर सभ्यता भी इसी के ऊपर है, फिर ये नंदराय कोटड़ी जगह है शाहपुरा जहां से बनास में गिर जाती है, यानी नंदराय बनास में गिरती, यानी बनास की क्या है, एक प्रकार से सहायक नदी, ठीक है ठीक है। अब जो शाहपुरा रियासत थी पहले, आप पढ़ोगे ना रियासतें, जब एकीकरण पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि शाहपुरा रियासत जो है वो, शाहपुरा रियासत जनसंख्या व क्षेत्रफल में छोटी रियासत थी, सर बड़ी कौन सी थी, क्षेत्रफल में बड़ी मारवाड़ थी और जनसंख्या में जयपुर थी। कब मिलाया गया, एकीकरण के द्वितीय चरण में मिला, वो तो एकीकरण की बात है, अठारह पच्चीस अठारह तीस पंद्रह छब्बीस एक है ना वो, 25 मार्च 1948 को मिला था, जब ये यहीं के दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा को बनाया गया था, ऐसा कहते हैं कि वो शाहपुरा से ही थे, तो लिखो सावा शाहपुरा से थे, याद रहे जैसे। एक जगह है शाहपुरा की, शाहपुरा प्रजामंडल नड़ती, एक जगह है शाहपुरा की बनेड़ा, सर इसमें ऐसा क्या है, बनेड़ा कहां है, शाहपुरा, इसे जो है इसे शाहपुरा का खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो बड़ी फेमस जगह है, परिवार के साथ तो देखने जाना मत, वैसे चले जाना, क्योंकि बाहर इसकी नग्न मूर्तियां हैं, अंदर अच्छी मूर्तियां हैं, बाहर नग्न अंदर अच्छी, इसका मतलब दुनिया में बाहर नग्नता है हमारे अंदर अच्छाइयां हैं, उसे खोजनी पड़ेगी। तो खजुराहो में नग्न मूर्तियां हैं, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर है जो उदयपुर में, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है भंड देवरा मंदिर, फड़ कला का जिक्र हमने कर ही दिया। शाहपुरा में मिट्टी की खिलौनों के लिए भी फेमस है, बाकी मिट्टी खिलौनों के लिए कई जगह फेमस है, इतनी कोई टेंशन लेने की जा। जहाजपुरा में यूरेनियम के भंडार भी मिले, अब्रक बता दिया, शाहपुरा जहाजपुर बनेड़ा ये जो है अब्रक के लिए फेमस है, ऐसे लिखवाऊ मैं, शाहपुरा अब्रक के लिए फेमस है,
फूलडोल महोत्सव पहले शायद लिख ही दिया, राम से नहीं संप्रदाय के प्रधान शाहपुरा के श्री सिंह जी बाट की बात आपने लिखी। चिमना बावड़ी ये शाहपुरा जिले में, चिमना बावड़ी ठीक है शाहपुरा चिमना कोनी। अब के बताओ तो कोई शासक की बनाई डी बात चिमना कोनी जी थे। एक सरदार निवास महल भी है, लिखो तो वो भी लिख लो सरदार निवास महल। ये तो देखो रटने वाली चीज है, इतना समझाने वाला नहीं है। एक मेला लगता है, एक जगह है यहाँ जहाजपुर, यहाँ कहते हैं कि अर्जुन ने यहाँ सर्प यज्ञ किया था, ऐसा कोई उल्लेख आता है तो नहीं लगता कि पूछेगा। घाटा रानी का मेला जहाजपुर में लगता है, घाटा रानी शक्तिपीठ है यहाँ पर, तो वो लिखो लिखो घाटा रानी का मेला जहाजपुर। घाटा रानी की पीठ है यहाँ जहाजपुर सापुरा, आराम याद हो जाओ नॉर्मल है। थानेश्वर भी है सापुरा का, छोटा पुष्कर कहते हैं थानेश्वर को, थानेश्वर सापुरा छोटा पुष्कर। थोड़ा सा आप नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में लिखते जाने, थोड़ी टफ चीजें हैं। ये भी पीर की दरगाह भी है, क्योंकि एक एक लाइन के जो प्रश्न होते हैं वो बड़े टफ हो जाते हैं याद करना। चौकी बावड़ी है बनेड़ा सापुरा में, चौकी बावड़ी, चौकी बावड़ी बहुत ही चौकी है, चौकी ढाणी हुए चौकी बावड़ी हुए भी। एक किला है जहाजपुर किला, लास्ट जहाजपुर किला। अब जहाजपुर कहाँ है सापुरा, तो कहाँ आ गया सापुरा। यात्रा जैसे सर इसमें क्या है, कहते हैं कि अशोक का पोता था संप्रति, उसने निर्माण करवाया था, कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। निर्माण संप्रति अशोक का पोत्र, ठीक है, पुनः निर्माण कुंभा। ठीक है एक लास्ट छोटी सी बात, बनेड़ा किला, बनेड़ा किला ये भी कहां है सापुरा के अंदर है, निर्माण जो है वो सापुरा तो आगे लिखी दो। अरे छोटा छोटा है टावरो है मियां बड़ा को नहीं, लेकिन फिर भी कुंवर भीम सिंह राज सिंह का पुत्र था, शासक नहीं बना 1681 में भीम सिंह, उसने करवाया था। एकदम सही अवस्था में बताते हैं ये। अच्छा वो है टावरो सापुरा। अब कोई एक आधी लाइन बची, बाकी लगभग मैं कंप्लीट करवा दी। लिख लिया नोट्स, ये नोट्स आपको वहीं डाल दिया जाएगा, इसकी पीडीएफ एज इट इज कॉपी करिए। जैसे आजकल हम ऐप में ऑनलाइन कोर्स जो है वो ऐसे ही चलते हैं, समझाया बच्चे का टाइम खराब ना हो, और समझाया जो मास्टर ने समझाया उसी की बातें लिख ली, वरना लिखाते हैं तो इतना ही समय लगता है, कोर्स जल्दी हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन का उद्देश्य होता है जल्दी जल्दी मैटर उपलब्ध करना। ओके थैंक यू।